हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं द्वैत वेदांत के बारे में। द्वैत वेदांत का कंसेप्ट क्या है, इसके फाउंडर कौन है, इसकी फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स क्या है। सो द्वैत वेदांत जो सिस्टम है वो अद्वैत वेदांत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटर है। द्वैत वेदांत के फाउंडर है आचार्य माधवा एंड अद्वैत वेदांत के फाउंडर है आचार्य शंकराचार्य। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि जो द्वैता सिस्टम है उन्होंने अद्वैता सिस्टम को चैलेंज किया है। द्वैता सिस्टम जो है वो रियलिज्म के लिए खड़ा होता है और जो अद्वैता सिस्टम है वो आइडियलिज्म और अकॉस्मिज्म को प्रमोट करता है। सो द्वैता सिस्टम के जो फॉलोवर्स हैं, जैसे कि माधव और उनके फॉलोवर्स जय तीर्था, व्यास तीर्था, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे लॉजिक का यूज़ करेंगे और डायलेक्टिकल थिंकिंग का यूज़ करेंगे रियलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। माधव जी ने 3 इम्पॉर्टेंट सोर्सेस को यूज़ किया है अपने फिलोसफिकल फाइंडिंग्स के लिए। वो 3 इम्पॉर्टेंट सोर्स को हम लोग प्रस्थानास बोलते हैं, जो कि है उपनिषद, भगवत गीता एंड ब्रह्मा सूत्र। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट पुराण एंड महाभारत से भी लिया है। माधव का फिलॉसफी का मेन कॉन्सेप्ट है कि वो सुप्रीम गॉड भगवान विष्णु या तो हरि को मानते हैं। उनका मानना है कि वर्ल्ड रियल है। अब ध्यान से सुनिए, आचार्य शंकराचार्य ने बोला था कि वर्ल्ड रियल नहीं है, सिर्फ ब्रह्मांड रियल है। पर यहाँ माधव जी क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड रियल है और गॉड एंड सोल के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। वहां पे हमने क्या देखा था अद्वैत वेदांत में कि इंडिविजुअल सोल जो है वो यूनिवर्सल सोल का पार्ट होता है, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान और सोल के बीच में डिफरेंस है, गॉड एंड सोल के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे एक और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब डिपेंडेंट है किस पे, भगवान विष्णु पे, और वो हायर एंड लोअर क्लासेस में डिवाइडेड है। उनका लिब्रेशन एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब वो भगवान विष्णु या हरि पे पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाएंगे। अब सुनते हैं आचार्य माधव के बारे में। आचार्य माधव जो कि 12th सेंचुरी के फिलोसोफर है, काफ़ी जाने माने फिलोसोफर, उन्होंने शंकराचार्य की मोनिस्टिक फिलोसफी को रिजेक्ट किया है। उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद थ्योरी को रिजेक्ट किया है। माधव जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर थे, जो कि संस्कृत में प्रोज एंड वर्सेस लिखते थे। उन्होंने बहुत सारे कोर्स लिए हैं जो कि वैदिक, बुद्धिस्ट, जैना और अदर फिलोसफिकल सिस्टम से है। एंड ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर, सेंट, फिलोसोफर एंड मिस्टिक। जहाँ तक माना जाता है कि उनका जो वर्क है वो एक्चुअली 37 वर्क उन्होंने लिखे हैं, और मेजर वर्क में से है उनकी कमेंट्रीज जो कि उन्होंने प्रस्थानत रहे, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, गीता, ब्रह्मसूत्र एंड उपनिषद पे किया है, और उन्होंने वेदास और महाभारत जैसे एपिक्स एंड पुराणस में भी अपनी कमेंट्रीज की है। वो सारे कमेंट्रीज को प्रॉपर वर्क में लिखा है उनके फॉलोवर्स ने, जो कि है जय तीर्था एंड व्यास तीर्था। अब देखते हैं द्वैत का मतलब क्या होता है। द्वैत ऐसी थ्योरी है जो कि बताती है कि दो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली डिपेंडेंट सब्सटेंस है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो ड्यूअलिज्म की थ्योरी थी वो हमने काफ़ी फिलोसोफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, जैसे कि प्लेटो बताते हैं कि दो वर्ल्ड है, एक इंटेलिजेंट वर्ल्ड, एक सेंसिबल वर्ल्ड। फिर हमने देखा डेकार्ट्स का कंसेप्ट जो कि बताते हैं दो वर्ल्ड है, माइंड एंड मैटर। एंड हमने फिश का भी देखा जो कि बताते हैं कि ईगो और नॉन ईगो में डिफरेंस होता है। और वैसे हमने इंडियन फिलॉसफी जैसे कि साम के फिलॉसफी में देखा
कि पुरुषा एंड प्रकृति, जो कि स्पिरिट और मैटर जिसे बोलते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। तो माधव जी ने भी बताया कि ड्यूअलिज्म होता है, और ड्यूअलिज्म की थ्योरी बोलती है कि दो सब्सटेंस होते हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे इन्होंने गॉड को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया है, गॉड को इन्होंने बताया है इंडिपेंडेंट सब्सटेंस, स्वतंत्र, एंड बाकी जो भी सब्सटेंस होंगे वो डिपेंडेंट सब्सटेंस होंगे, जिसको बोलते हैं परातंत्र। और जितने भी डिपेंडेंट सब्सटेंस होंगे वो प्रकृति से बने हैं, और प्रकृति मतलब मैटर से बने हैं, और इसमें सारे अदर कंसेप्ट भी आ जाते हैं, जैसे कि प्रकृति, पुरुषा, काल, कर्मा, स्वभाव, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट है। तो फिर से मैं बता रही हूँ, इंडिपेंडेंट क्या होता है, सिर्फ गॉड, एंड डिपेंडेंट बाकी सारी चीज़ें, प्रकृति, पुरुषा और बाकी सारी चीज़ें डिपेंडेंट में आ जाती है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये भी बताया कि आचार्य माधवा ने शंकराचार्य की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मायावाद को रिजेक्ट किया है। तो इनकी थ्योरी का नाम है द्वैत वेदांत, जहाँ पे ये ड्यूअलिज्म को मानते हैं, और ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड, इंडिविजुअल सोल एंड वर्ल्ड के बीच में एक रिलेशन होता है। माधवाचार्य ने शंकरा की थ्योरी को रिजेक्ट किया है और वो वर्ल्ड को रियल मानते हैं। वो ऐसा नहीं बोलते कि वर्ल्ड जो है वो माया और अविद्या से आया है, वो मानते हैं कि वर्ल्ड रियल है, बट ऑफ कोर्स वो ब्रह्मांड में डिपेंडेंट है। फिर हम लोग देखते हैं कि माधव जी ने जीवा और ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई है। वो बोलते हैं कि जीवा जो है वो ब्रह्मांड से डिफरेंट है, और उनसे वो सेम नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि सोल गॉड, सोल एंड सोल, सोल एंड मैटर, गॉड एंड मैटर, ये सब के बीच में डिफरेंस होता है। अब हम लोग देखते हैं माधव जी की फिलॉसफी ऑफ द्वैत वेदांत, जहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट ऑफ गॉड, कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड एंड कंसेप्ट ऑफ सोल के बारे में बताया है। सो पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ गॉड। सो कंसेप्ट ऑफ गॉड को समझने के लिए दो प्रकार की रियलिटी को समझना पड़ेगा, जो कि है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रियलिटी और डिपेंडेंट दैट इज परातंत्र रियलिटी। तो जैसे कि मैंने बताया, गॉड जो है वो इंडिपेंडेंट रियलिटी है, और जो इंडिविजुअल सोल्स और वर्ल्ड है वो डिपेंडेंट रियलिटीज है। तो गॉड को ये बताते हैं पर्सनल गॉड, जिनको बोलते हैं भगवान विष्णु और भगवान हरि, और जो गॉड है वो सुप्रीम पर्सन है, जैसे कि इनको ये ईश्वरा भी बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है, ये परफेक्ट है, एब्सोल्यूट है, प्योर कॉन्शियसनेस है। सुप्रीम लॉर्ड जैसे कि मैंने बताया विष्णु, उनके साथ रहती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जो है शी इज़ इटर्नली ब्लेस्ड। लक्ष्मी भगवान विष्णु पे डिपेंडेंट है, वो इंटेलिजेंट प्रकृति है। तो जो भी चीज़ें पूरी करनी है, भगवान जो भी चाहते हैं वो प्रकृति में एंटर करके वो सब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी कुछ होता है वो प्रकृति के थ्रू होता है। आचार्य माधवा ये भी बताते हैं कि गॉड और उनके एट्रीब्यूट्स के बीच में ऐसा कोई फंडामेंटल डिस्टिंक्शन नहीं है, वो सुप्रीम रियलिटी है जिसमें सारी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ है, जैसे कि नॉलेज, इन्फिनाइट ब्लिस, पावर एट्सेट्रा। वो बहुत सारे फॉर्म्स में खुद को मैनिफेस्ट करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्रेट इमेजेस में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हम समझ सकते हैं वेदास के थ्रू, बट उनको पूरी तरीके से हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। और आचार्य माधवा ने ये भी बताया है कि जो विष्णु है वो एफिशिएंट कॉज है, दैट इज़ द निमित्त कारण ऑफ द यूनिवर्स। तो जो भी चीज़ें होती है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, वो सब बोला जाए तो जो सुप्रीम गॉड विष्णु है उनकी ही इच्छा से होती है। अब हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जीवा। जीवा मतलब क्या होता है, सोल। सो जीवा जो है, जैसे कि मैंने बताया है, ये डिपेंडेंट है। किस में डिपेंडेंट है, ये गॉड पे डिपेंडेंट है। गॉड जो है वो परफेक्ट जीवा है, और जो इंडिविजुअल जीवा है वो सिर्फ गॉड के रूप है, इमेजेस है। तो यहाँ पे जो बताया गया है जीवा, वो
सब जीवा मतलब इंडिविजुअल जो जीवा है वो डिस्टिंक्ट है, यूनिक है और वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी ज़्यादा नहीं रखते हैं। जीवा का पर्पस क्या है? इनका पर्पस है लिब्रेशन। तो लिब्रेशन क्यों चाहिए इनको? ताकि वो बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल में फंसे नहीं रहे और वहाँ से निकल सके। और ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये पॉसिबल है सरेंडर से। अब हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड के बारे में। तो कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड में ये समझना जरूरी है कि प्रकृति जो है वो गॉड के द्वारा बनाई नहीं गई है, जबकि इनका इटर्नल एग्जिस्टेंस है। एक्सटर्नल वर्ल्ड को जो बताते हैं ये अल्टीमेटली रियल बताते हैं और ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये मानते हैं कि वर्ल्ड का प्रोसेस जो है वो बिगनिंगलेस है, मतलब इनकी कोई शुरुआत नहीं थी और ये हमेशा हमेशा रहेगा, आनंदी एंड नित्य, दैट मीन्स इट विल बी इटर्नल। और ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड है ये गुणास से बने हैं, जिसको बोलते हैं सत्वा रजस एंड तमस, जो कि हम साम के फिलोसफी में देखे हैं। वर्ल्ड के बारे में इनके और भी बहुत सारे व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सब था मेटाफिजिकल थॉट, जो कि आचार्य माधवा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इन्होंने रियलिटी के बीच में डिफरेंस बताया है, भेदा बताया है, जैसे कि गॉड एंड सोल के बीच में डिफरेंस है, जिसको बोलते हैं ईश्वरा एंड जीवा के बीच में डिफरेंस है, फिर सोल एंड सोल के बीच में डिफरेंस है, जीवा एंड जीवा के बीच में डिफरेंस है, फिर गॉड एंड मैटर दैट इज सोल एंड मैटर के बीच में डिफरेंस है, और बहुत सारे मटीरियल ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि इंडिपेंडेंस। ये बोलते हैं कि सिर्फ गॉड जो कि विष्णु है वही इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र तत्व है और बाकी सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती है, दैट इज परातंत्र तत्व। फिर आगे भी देखते हैं कि आचार्य माधव ने 10 कैटेगरीज को भी एक्सेप्ट किया है, जैसे कि सब्सटेंस जिसको द्रव्य बोलते हैं, एट्रीब्यूट जिसको गुणा बोलते हैं, एक्शन जिसको कर्मा बोलते हैं, यूनिवर्सल्स जिनको सामान्य बोलते हैं, स्पेशलिटी जिनको विशेष बोलते हैं, देन विशिष्टा, देन होल, देन पोटेंसी, सिमिलैरिटी, नॉन एग्जिस्टेंस, ऐसे ही इन्होंने काफ़ी पदार्थ को एक्सेप्ट किया है, जो कि टोटल 20 है नंबर में। और ये बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड को, लक्ष्मी को, जीवास को, स्पेस को, टाइम, प्राइमल मैटर एंड उनके इवोल्यूएट्स, कॉस्मिक एग्स जिसको हम लोग ब्रह्मांड ब्रह्मा अंडर बोलते हैं, देन इग्नोरेंस, अविद्या, वर्णा, डार्कनेस और काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो गाइस आई होप सो यहाँ पे जो माधवाचार्य की फिलॉसफी है, मेटाफिजिक्स है, वो काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसको कंसेप्ट को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसको और तरीके से समझना चाहते हैं या दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं और नए नए वीडियोस ला सकूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे इंडियन फिलॉसफी को समझने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प मिलते रहे।